पुंछ को लैंड ऑफ सूफीज भी बोलते हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बड़ी सारी ज्यारत हैं, ज्यारत छोटे शाह साहिब, ज्यारत इलाही बख्श साहिब, बड़ी सारी ज्यारत हैं। लेकिन आज हम जिस ज्यारत की बात कर रहे हैं वो ज्यारत मीरन साहिब की है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पहाड़ी में जूम करके देखेंगे हम, ये बड़ी फेमस ज्यारत है यहाँ पे। और ये ज्यारत जो है यहाँ पे लोगों की आस्थाएं धारणाएं इस ज्यारत में बनी हुई हैं। यहाँ पे जाके जो भी सच्चे मन से जो भी कुछ यहाँ से मांगा जाए, जो भी जो है मुराद की जाए, आपकी मुरादें जो हैं ये ज्यारत जो है वो पूरी करती है। सो लेट अस गो एंड एंजॉय अ हिस्टोरिकल, मेमोरेबल एंड अ स्पिरिचुअल राइड। इस जगह खड़े हैं, ये एरिया जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। ये एरिया जो है गुंतरिया गांव इसका नाम है, और यहाँ पे बड़ी फेमस जो है ज्यारत मियां साहिब की है, मीरन साहिब की है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ज्यारत बनी हुई है। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस एरिया का, जो लोकल लोग जो है यहाँ पे आते हैं अक्सर। तो इस एरिया का आप इस इमारत को देख सकते हैं, अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये मार्बल से बनी हुई है, और इसकी जो चार मीनार हैं अलग अलग दिशाओं में बहुत ही खूबसूरत हैं। और आपका जो सेंटर में आप इसको डोम देख सकते हैं, ये जो साईं मीरन साहिब की जो ज्यारत है, ये बड़े सारे लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये पूरे एरिया में इतनी पॉपुलर ज्यारत है कि इवन के अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये 1950s में जो है मीरन साहिब जो हैं LOC को क्रॉस किया उन्होंने, और यहाँ पे अपना आके डेरा लगाया। जैसे हमने कहा था कि ये एरिया जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही है, 5 से 10 किलोमीटर इस एरिया का डिस्टेंस है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। इसीलिए ये एरिया अब हमेशा यहाँ पे जो है जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, जब शेलिंग होती है, तो ये एरिया हमेशा उस टारगेट में आता है। तो जो लोकल सोर्सेज के अकॉर्डिंगली कुछ साल पहले जो है यहाँ पे एक अक्रॉस द बॉर्डर जो है, जब पाकिस्तान वहाँ से एक मोर्टार गिरा, तो आप ये तो देख सकते हो यहाँ पे गिरा, और इसका जो है डायरेक्ट इंपैक्ट जो है यहाँ पे पड़ा, और काफ़ी सारा जो है इसमें नुकसान हो गया। अब इसमें देख सकते हो ये जो आपका जो जालीदार जो है, जो आर्किटेक्चर है इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो चुका है इसका। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन मिर्ज़ा, मैं ज़िला रजौरी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर बतौर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। मैं पहले महकमा पुलिस में था, और वहाँ से DSP रिटायर होने के बाद 2012 में यहाँ पर बतौर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ और यहीं पर काम कर रहा हूँ। तो हज़रत साईं बाबा मीरां बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इनका तल्लक मौजूदा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का गांव नगा नाड़ी से तल्लक है। ये उस वक्त जिस वक्त यह रियासत का कोई बंटवारा नहीं था, उस वक्त से अपनी छोटी उम्र में ही पुंछ शहर और इधर कस्बा जात में आया जाया करते थे, और चूंकि इनके अंदर पैदाइशी तौर पर रूहानियत के साथ मालामाल थे, और जब भी ये इधर आते थे तो लोगों से मुलाकात होने के साथ काफ़ी लोगों को रूहानियत तौर पर इनसे इस्तफादा होता था, तो उस बुनियाद पर लोग इनके साथ पहले से ही जान पहचान में थे। जब रियासत का बंटवारा हुआ तो उसके बाद ये 1952 में पहली बार जो है फिर दोबारा फिर इधर आए, तो इसी इलाके से गोंतरिया इलाके से यहीं से बॉर्डर क्रॉस करके आए, तो 1952 में। उसके बाद इनको दोबारा एक बार पुश बैक किया, लेकिन फिर दोबारा वापस आए, तो चूँकि लोग इनके साथ जुड़े हुए थे तो लोगों ने रूहानी तौर पर इनके साथ वाबस्तगी की वजह से हुकूमत को कहा कि इनके साथ वो नरम रवैया करके तो उनको यहीं पर रहने दे ताकि हमें इनसे इस्तफादा हो। तो शुरू शुरू में बाबा जी जब यहाँ पर आ गए, और उसके बाद फिर दोबारा जब आए तो फिर वापस गए नहीं, पाकिस्तान की तरफ तो गए नहीं, तो इलाका मंडी एरिया में ज़्यादातर इनका लोगों के यहाँ एक जगह रुकना, फिर दूसरी जगह चलना फिरना इनका आम मामूल था। उसके बाद ये मौजूदा तकिया शरीफ बंड चेचियाँ जो है वहाँ तशरीफ ले आए, तो वहाँ पर ये लगातार 12 साल वहाँ पर क्याम किया उन्होंने। उस 12 साल में उन्होंने 1965 तक ये वहीं पर रहे, फिर तो वहाँ पर इन्होंने किला नमा वहाँ पर एक उन्होंने तकिया जिस तकिया के नाम से मौसूम है वो तमीर करवाया। जब 1965
मैं उसकी तामीर मुकम्मल की, तो उसी वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग थी उसका सीज फायर हुआ, उसी दिन उस मकान की तामीर मुकम्मल की और फिर वो जगह छोड़ करके तो यहाँ मौजूदा जो कोपरा गोत्रियाँ जो है यहाँ पर तशरीफ ले आए। तो वहाँ पर आपने जो गद्दी नशीन हैं हज़रत दरवेश गुलाम कादर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि भी बहुत बड़े रूहानियत के साथ मालामाल थे और आलम थे, उनको वहाँ पर रखा और ख़ुद यहाँ पर चले आए। ये कच्चा जैसा झुपड़ा मकान था, इसी में अगर ये किसी का तामीर किया हुआ था तो यहाँ पर तशरीफ ले आया तो यहीं बैठे। तो लोगों के साथ तो वाबस्तगी थी, तो यहाँ पर लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और यहाँ पर उस ज़माने से आज तक जो लोग हैं इनकी हयात में भी बग़ैर मजहब व मिल्लत ज़ात और पात के लोग इनके पास आते थे, इनकी रूहानियत से फैज़ हासिल करते थे। और उनके पर्दा करने के बाद जो 26 अगस्त 1984 को इन्होंने ये पर्दा किया इसी जगह पर और यहीं इसी जगह पर वो मदफून भी हैं, तो उसके बाद भी लोग बग़ैर मजहब व मिल्लत हज़ारों की तादाद में लोग इनके आस्थाने पर अपना रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं और इस दरगाह से लोगों को बेशुमार रूहानी फैज़ हासिल है, तभी इतनी दुनिया का आना जाना का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे जो है वो लंगर चलता है जिसमें दाल चावल और मक्की की रोटी और फुलका जो है वो लोगों को दिया जाता है और लोग यहाँ पर उस लंगर को इस्तेमाल करते हैं, उसको बतौर तबरुक इस्तेमाल करते हैं और ये सिलसिला लोगों का चल रहा है। तो ये ज़्यारत जो है ये एक ट्रस्ट की मैनेजमेंट में है, ट्रस्ट के अंदर 15 मेंबर पर मुश्तमल ये ट्रस्ट है जिसमें ज़िला के काफ़ी मोतबर शख्सियात जो हैं वो बतौर मेंबर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें एमएलए जो हैं वो भी सबका मीर पुंछी मिनिस्टर साहब वो भी रहे हैं, मौजूदा शाह ममतांत्र एमएलए साहब जो थे वो भी, और इसके अलावा हमारे काफ़ी जो हैं ऑफिसर्स और दीगर जो हैं वो यहाँ के मजद शख्सियात जो हैं वो इस ट्रस्ट के अंदर शामिल हैं और वही ट्रस्ट जो है यहाँ पर वो इसकी पूरी देख रेख कर रहा है। और इस दरबार से बहुत सारे यतीम मस्कीन गरीब बेवा औरतों की यहाँ इमदाद की जाती है, जो गरीब लोग मौलिक बीमारियों के अंदर जैसे कैंसर या कोई और गुर्दे की फेलियर की बीमारियों में मुबतला हैं उनको यहाँ से जो है वो उनकी उनको रिलीफ दी जाती है। इसके अलावा जितने भी बच्चे गरीब हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनकी भी जो इमदाद यहाँ से ट्रस्ट जो है वो करता है, जिससे लोगों को काफ़ी यहाँ इस्तफादा है। इसके अलावा इस वक्त मौजूदा हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की 2 अकेडमियाँ, एक यहाँ गोत्रियों में एक पुंछ में जो है वो चल रही है। इसके अलावा दीगर कुछ मदारस हैं जिनकी भी यहाँ से उनकी इमदाद की जाती है, बल्कि डायरेक्टली उनको सुपरवाइज करता है यही ट्रस्ट। और अब ट्रस्ट का इरादा यह है कि उन्होंने कनकोट में एक जगह खरीदी और अभी और उसके प्रोसेस में लगे हुए मजीद खरीदने के, वहाँ पर यह चाहते हैं एक बड़ा मुनफरद किस्म का तालीमी अदारा बनाया जाए जिससे यहाँ के ज़िला रजौरी पुंछ के जो लोग हैं गरीब उनको उसमें मुफ्त तालीम जो है वो आला तालीम जो है मुफ्त उनको दिलाई जाए। तो ये जो जगह है साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यारत, ये इनका तल्लुक जो है वो सूफीज़म से है और यहाँ हर किस्म के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं बग़ैर मज़हब व मिल्लत, और इनकी इस सूफीज़म का और उनकी रूहानियत का फैज़ दूर दूर तक फैला हुआ है और दूर दूर से रियासत से बैरून रियासत से बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग जो हैं इस दरगाह पर फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं।